बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये जो ब्लास्ट आज हमारी 15 की गाड़ियाँ जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे तरावी की नमाज की सिक्योरिटी के लिए आती हैं और मुख्तलिफ मस्जिदों के बाहर ये ड्यूटी देती हैं, और इसमें से दो गाड़ियाँ हमारी आज ये मस्जिद हुदा जिस मौके पे हम खड़े हैं सेटेलाइट टाउन में, यहाँ दो गाड़ियाँ आके रुकी हैं। तो तकरीबन 8:35 पे उनके दरमियान में ब्लास्ट हुआ है, जो अभी तक की हमारी इतला है अभी तक की कि ब्लास्ट एक मोटरसाइकिल में की आईडी में हुआ है, लेकिन इसकी फ़ाइनल जो क्राइम सीन को हम दोबारा देखेंगे कल, अभी तक हमने क्राइम सीन को रिलीज़ नहीं किया, तो फिर हम फाइनल इसके ऊपर ओपिनियन देंगे। इसमें हमारे आरआरजी के 4 लोग शहीद हुए हैं और इसमें मेरी इतला के मुताबिक अभी तक 2 शदीद ज़ख्मी हैं, और इसमें सिविल हॉस्पिटल में जब तक मैं आया था तो 7 लोग ज़ख्मी वहाँ लाए गए थे। करीब तरीन जिलानी हॉस्पिटल में या किसी और में अगर कोई ज़ख्मी हो तो उसका बाद में पता लग जाएगा, और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन CTD हमारे साथ मिलके कर रही है, क्राइम सीन सिक्योर रहेगा, FC पुलिस हमारी जो ड्यूटियाँ हम सारे कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स, ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वालों को टारगेट किया गया है, तो इस वजह से वो इसी वजह से टारगेट करते हैं कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो हम तो अपना काम करते रहेंगे और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जैसे पहले हम इन तक पहुंचते रहे और अब भी इंशाल्लाह इन तक पहुंचेंगे। सर 25 मिनट का गैप था, शायद 9 बजे तरावी अदा की जानी थी, तो अगर तब होता तब नुकसान ज़्यादा होने का। देखिए वो तो सारी कुछ भी होता, कब होता क्या होता, लेकिन उन्होंने जो उनका जो हम समझते हैं टारगेट जो था वो हमारी गाड़ियाँ थी, उनके आने के फ़ौरन बाद उन्होंने जो करीब तरीन होगा ब्लास्ट हो गया। तो अब बाकी ये नौइयत के बारे में अभी तक की ये बात है, बाद में हम देखेंगे कि कोई और बात निकलती है। डे लाइट में हम एक दफ़ा दोबारा क्राइम सीन को CTD और हमारी टीम देखेगी आगे।